नमस्कार दोस्तों, नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे श्री चंद्र प्रकाश जी के द्वारा तैयार की गई एक वर्किंग मशीन, जिसमें मैचिंग एक्टिविटी करके बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सिखाया जाता है और बहुत ही बेहतरीन। श्री चंद्र प्रकाश जी और संदीप सोकल जी राज्य के प्राथमिक पाठशाला डेरा प्रताप सिंह जिला कैथल हरियाणा में कार्यरत हैं और दोनों ही बहुत मेहनती अध्यापक हैं, समर्पित अध्यापक हैं, और उन्होंने मिलकर के ये मशीन बनाई है। ये एक टूल, एक वर्किंग मॉडल बनाया है जो बहुत बेहतर ढंग से कार्य करता है और जिसके माध्यम से अल्फाबेट्स और हिंदी वर्णमाला को या अन्य मैचिंग गतिविधियां करवाई जाती हैं। ये अपने विद्यालय में जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं, और आज हम देखेंगे इस वर्किंग मॉडल की पूरी जानकारी संदीप सोकल जी द्वारा और किस प्रकार इसमें वो सिखाते हैं, बच्चों को बताते हैं और इससे क्या लाभ होगा। ये पहले भी अपने विद्यालय में या आसपास सफाई अभियान में जुटे रहते हैं, सभी कार्यों में मन से दिल से काम करते हैं और इतनी अच्छी प्रेरणा के रूप में उभरे हैं। और आइए आज हम सीखते हैं इस वर्किंग मॉडल की जानकारी। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक मैचिंग मशीन, जिसके माध्यम से बच्चे स्वयं करके सीखें विधि पर आधारित। इस मशीन के द्वारा बच्चे स्वयं करके सीख सकते हैं कि किस प्रकार से मैचिंग की जाती है। जो हमारा पुराने मेथड है ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैचिंग करवाना, उससे कुछ आगे बढ़ के ये मशीन बनाई गई है हमारे एक जुझारू और तेजस्वी साथी श्री चंद्र प्रकाश जी के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये मशीन बनाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखिए, एक लकड़ी का यहाँ पे यूज किया गया है, एक लकड़ी के प्लाई बोर्ड का, एक छोटी सी बैटरी का यूज है और कुछ पुरानी तारों का यूज है। देखिए यहाँ पर हमने पेच लगाए हुए हैं, दोनों तरफ पेचों का प्रयोग किया गया है और इनको तारों से जोड़ दिया गया है। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि इस बैटरी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है, जिसमें से मैचिंग सही प्रकार से होने पर एक आवाज सुनाई देती है और दो लंबी तारें मैचिंग करने के लिए यूज की जाती हैं। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि ये प्रयोग कैसे किया जाता है इसको। सबसे पहले हम कोई भी चीज जिसकी आपसे मैचिंग करनी है दोनों तरफ लगा सकते हैं। अब मैं इसको यहां पे रखने के बाद देखिए हम इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हम इसको यहां पे लगाते हैं और इसमें से जब आप इस चीज को दूसरे से टच करेंगे तो देखिए इसकी एल की और ग्रेप्स के साथ कोई मैचिंग नहीं है, इसके साथ, और ये देखिए एक तेज साउंड जो सुनाई देगी आपको जब इन दोनों को आप एक साथ मिलाएंगे तो एक तेज आवाज सुनाई देगी। इस प्रकार से बच्चे स्वयं करके इस मैचिंग को देख सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। आइए इसी डेमो को हम एक बच्चे के साथ करके देखते हैं। हाँ जी, लवप्रीत कम हेयर प्लीज। ये छोटा बच्चा इसी डेमो को आपको करके दिखाएगा। हाँ जी प्लीज। देखिए किस प्रकार इस बच्चे ने फर्स्ट ही वो लगाया और ये सही पाया गया। अब एक और आपको दिखाएगा, ये एक और डेमो करके आपको दिखाएगा। हाँ जी बेटे, इसकी मैचिंग चेक कीजिए कौन सी आएगी। हाँ जी देखिए, ये बच्चा चेक कर रहा है, देख रहा है इसको कौन सी सही रहेगी। तो ये देखिए, ये बच्चा लगा के देख रहा है कि R4 से किसके साथ जो मैचिंग है। देखिए ये आवाज जब बच्चे को सुनाई देगी तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इसकी मैचिंग क्या रहती है। बहुत ही अच्छे क्लैपिंग कीजिए बच्चे के लिए, शाबाश, वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये जो हमारे द्वारा मशीन बनाई गई है ये बहुत ही एक अच्छी मशीन साबित होगी बच्चे, जिससे अपने आप खेल विधि के द्वारा। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे तेजस्वी साथी श्री चंद्र प्रकाश जी को, जिन्होंने इस मशीन का निर्माण किया कि वो यहाँ आए, और चंद्र प्रकाश जी का स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए इस मशीन को बनाया। हार्दिक धन्यवाद सबका।